हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं हमारी अगली वीडियो में और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi 6A को। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब इसे फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर दी गई है हमको 13.8 सेंटीमीटर की फ्रंट डिस्प्ले। इसके अंदर है 3000 mAh की बैटरी और इसका रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल्स का। इसे लिया है हमने रोज गोल्ड कलर के अंदर। 2GB इसके अंदर रैम है और 16GB है इंटरनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खासकर मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से कर देते हैं इसे अनबॉक्स। तो सबसे पहले इसका बॉक्स खोलने पर हमें मिलेगा इसका मोबाइल, जो कि है ये। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं बाकी की चीजें। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, एक इसके लिए अडैप्टर और उसकी केबल। इसकी केबल के नीचे हमें दिखाई देता है इसका सिम इजेक्टर, जो कि है की। तो चलिए अब इन्हें निकाल कर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का हमें मिला है अडैप्टर और इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके ऊपर। तो इसे रखते हैं साइड में और निकाल लेते हैं इसकी की या सिम इजेक्टर। और वो आ गई है हमारे हाथ में, जिससे हम SD कार्ड और सिम कार्ड्स के स्लॉट को खोल सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि MI के मोबाइल के अंदर हमें ईयरफोन या हेडफोन्स नहीं मिलते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमें 3 प्रोडक्ट्स और मिले हैं मोबाइल के अलावा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक झलक हम देख लेते हैं इसके मैनुअल की। तो यहाँ पे दिए गए हैं फोटोज़, SD कार्ड और सिम कार्ड के स्लॉट के लिए। इसके अंदर डाल दिए एक छोटी सिम और एक बड़ी सिम। तो मैनुअल को करते हैं बंद। और दूसरा आता है हमारे पास वारंटी कार्ड, जिसको हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो अब आते हैं हमारे मोबाइल पे। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये है हमारा मोबाइल, जो आगे की तरफ से है वाइट और पीछे इसका कलर है रोज़ गोल्ड। तो अगर इसके कैमरा की बात करें तो ये है 13 मेगापिक्सल्स का और इसके पीछे दिए गए हैं SD कार्ड और सिम कार्ड के स्लॉट्स। और इस साइड जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विच ऑफ ऑन का छोटा बटन और ये है वॉल्यूम का बटन। और यहाँ पे दिए गए हैं दोनों के स्लॉट्स, जो है SD कार्ड और सिम कार्ड के। जैसा कि आप इसके ऊपर इन्फॉर्मेशंस देख पा रहे हैं, इसके ऊपर लिखी हुई है स्क्रीन साइज़ और ये है 3000 mAh की बैटरी टाइप, जो कि एक हाई कैपेसिटी बैटरी है। तो बात करते हैं इसके अदर कंटेंट्स की। जैसा कि आप और देख सकते हैं, इसके अंदर दिया गया है एक फ्रंट कैमरा, एक स्पीकर और एक सेंसर। तो इसके ऊपर है एक प्लास्टिक सीट स्क्रीन के ऊपर, जो हम नहीं हटाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बूट करके देखते हैं कि ये कैसा चलता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आ गया है एमआई का लोगो, एंड्रॉइड, जो कि पहली बार चलने में ले रहा है थोड़ा टाइम। और ये हो चुका है हमारा मोबाइल ऑन, तो इसको करते हैं स्वाइप अप। स्वाइप अप करके ये खुलेगा, तो ये आ गई है हमारी पास मोबाइल की रियल स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके आइकन्स, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत शानदार है। अगर इसके बात करें कैमरा क्वालिटी की तो वो भी हमें मिलती है बहुत अच्छी। तो करते हैं इसकी ब्राइटनेस एक बार फुल, अब मिल रही है हमें क्लियर व्यूज़। तो इसके अंदर देखें हम तो कैमरा क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। फ्रंट कैमरा के लिए हमें क्लिप करना होगा यहाँ, जिसमें कि आप हमारी रिकॉर्डिंग्स को देख पा रहे हैं। तो इसमें हमें कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो अब बात करते हैं इसके ऐप्स की, तो इसके अंदर हमें खूब सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो कि है ज़्यादातर एमआई की, जैसे सिक्योरिटी, एमआई ऐप्स, टूल्स के अंदर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे एफएम रेडियो, कंपास इसके अंदर पहले से ही है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो और भी बात करें अगर इसके अंदर की, तो हमें खूब सारे ऐप्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे एमआई की खूब सारी सेटिंग्स, जैसे एमआई कमर्शियल, माइक्रोसॉफ्ट भी मिलते हैं, और एमआई स्टोर भी हमें मिल जाता है। तो बात करें इसके सेटिंग्स की, तो सबसे ऊपर आता है अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन के अंदर जैसे कि देखेंगे आपके ये है Redmi 6A, जिसके अंदर 2GB की रैम है और 16GB की इंटरनल, जिसमें से 8GB लेता है इसका अंदर का सिस्टम। तो हमें कुल मिला के 8GB ही मान लीजिए आप स्टोरेज मिलेगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिस्टम्स को रखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए इसमें चला के देख लेते हैं यूट्यूब के इसमें वीडियो क्वालिटी है कैसी। तो सर्च करते हैं, आ गया है निखिल दैया। इसके अंदर मिले हैं तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी भी है बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम पहले स्मोक बम को जलाएंगे। दोस्तों अब हम जलाएंगे इस चुटपुट को। तो अगर बात करें इसके स्क्रीन क्वालिटी की, दोस्तों हम आ गए हमारी अगली वीडियो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, जबकि हमारे यहाँ पे इसके प्लास्टिक सीट भी लगी हुई है। कलर्स इसके अंदर अच्छे आ रहे हैं बहुत, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। साउंड भी इसमें कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है, जबकि ये मेड इन इंडिया है। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ इस फ़ोन में बहुत अच्छा दिया गया है। तो जैसे कि इसकी प्राइस है उसके हिसाब से ये फ़ोन बहुत अच्छा है, मेड इन इंडिया की तरफ से। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल निखिल दैया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि रेड बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को भी सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.